Hello friends, I am Dr. Suhail Dalal from Surat, from Dr. Dalal's Ayurveda. दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक स्किन डिसीज के बारे में, स्किन डिसीज जिसे हम सोरियासिस कहेंगे. मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली सोरियासिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों, हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो खुद डिसीज को पैदा करती है. इम्यून सिस्टम खुद डिसीज को पैदा कर रही है, उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस सोरियासिस इज नॉट अ क्योरेबल डिसीज. सोरियासिस जो है वो एक क्योरेबल डिसीज नहीं है, वो वापस हो सकता है बार बार. बट दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा में आपको सोरियासिस का सॉल्यूशन मिल सकता है. दोस्तों पिछले कई सालों की प्रैक्टिस में दोस्तों हमने बहुत सारे पेशेंट्स सोरियासिस के रिलेटेड अटेंड किए हैं और सक्सेसफुली उन केसेस को ट्रीट भी किया है. सोरियासिस को आयुर्वेदा में कुष्ठ रोग के अंतर्गत लाया जाता है. दोस्तों कुष्ठ रोग माने स्किन डिसीज. आयुर्वेदा में स्किन डिसीज होने के कारणों में दो महत्वपूर्ण कारण बताए हैं. एक मिथ्या आहार विहार, मतलब कि हमारी गलत खान पीन की और रहन सहन की आदत, और दूसरा कारण बताया गया है हमारा विरुद्ध आहार, मतलब जिस चीज के साथ जो चीज को नहीं खाना है वैसी चीज अगर हम साथ में मिला के खाते हैं तो उससे हमारा शरीर में जो है वो स्किन डिसीज होते हैं. सोरियासिस उनमें से ही एक स्किन डिसीज है दोस्तों. और आयुर्वेदा में पंचकर्म ट्रीटमेंट के माध्यम से और आयुर्वेद की दवाओं के माध्यम से और आयुर्वेदा लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स को फॉलो करने के माध्यम से हम सोरियासिस जैसे खतरनाक रोग से भी दोस्तों बाहर निकल सकते हैं. मैं आज आपको यहाँ पे एक ऐसे केस से मिलवाना चाहूँगा कि जो आज से 8 से 10 महीनों पहले हमारे पास सोरियासिस रोग लेकर आए, बहुत खराब कंडीशन में लेकर आए थे, लेकिन आयुर्वेदा की लाइफस्टाइल, आयुर्वेदा की फूड हैबिट और आयुर्वेदा पंचकर्म ट्रीटमेंट के माध्यम से आज उनका सोरियासिस बिल्कुल ठीक हो चुका है. दोस्तों पेशेंट को आपके साथ मिलवाने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा. दोस्तों अगर किसी को भी स्किन डिसीज है, सोरियासिस है या कोई और स्किन डिसीज है, तो आयुर्वेदा की दो बेहतरीन हर्ब्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा. एक बेहतरीन हर्ब है मंजिष्ठा. मार्केट में आपको महामंजिष्ठादि काढ़ा या महामंजिष्ठादि क्वाथ के स्वरूप में ये औषधि मिलती है. ये महामंजिष्ठादि का काढ़ा आप सुबह भूखे पेट अवश्य लीजिए. और दूसरी गिलोय चूर्ण, गिलोय उसको आप गुड़ुची भी कह सकते हैं, गड़ो भी कह सकते हैं, टीनोस्फोरिया कोडिफोलिया. दोस्तों गुड़ुची जो है वो स्किन डिसीज के एक बेहतरीन हर्ब है. गुड़ुची को आप सुबह शाम खाने के बाद दो दो टैबलेट के स्वरूप में या तो पाउडर के स्वरूप में एक एक चम्मच खाने के बाद अगर 3 से 6 महीने तक उसका सेवन करते हैं तो आप सोरायसिस से या कोई भी स्किन डिसीज से ओवरकम कर सकते हैं. दोस्तों तो आइए मैं आपको एक ऐसे केस से मिलवाता हूं दोस्तों कि जो अपना सोरियासिस रोग ठीक कर चुके हैं आयुर्वेदा के माध्यम से. तो आइए दोस्तों हम मिलते हैं हमारे पेशेंट मिसेस मोनिका कोतवाल से. ये आज से कुछ वक्त पहले हमारे पास सोरियासिस लेकर आए थे और आज 10 महीनों में आयुर्वेदा के माध्यम से इनका सोरियासिस बिल्कुल ठीक हो चुका है. जी मोनिका जी, आप बताइए जब आप हमारे पास यहाँ पे आए तब आपको क्या तकलीफ थी? मुझे सोरियासिस बहुत ज्यादा बढ़ गया था. पूरे दोनों हाथों की हथेलियों में, एल्बोस पे, घुटनों में और फुट पे भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था. मैं परेशान हो चुकी थी कि ये मुझे क्या हो रहा है. मेरे बच्चे भी मेरे साथ रोते थे कि मम्मी ये आपको क्या हो गया. मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते थे कि ये क्या हो गया है, क्योंकि बहुत सी जगह मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा चुकी थी, बहुत सारे होम्योपैथी, एलोपैथी सभी दवाएं मैं कर चुकी थी, लेकिन मुझे उससे कुछ भी इफेक्ट, कुछ भी मेरी बॉडी पे होता नहीं था, इसलिए मैं बहुत परेशान रहती थी. फिर मोनिका जी आपको कैसा लगा आयुर्वेदा में आने के बाद? आपको अभी क्या फील हो रहा है? आपका सोरियासिस अभी कैसा है? मेरा सोरियासिस 80% क्योर हो गया है. अब मैं ऐसा फील करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर फील करती हूँ कि पहले मैं जे यहाँ का रेफरेंस क्यों नहीं मिला, क्योंकि जब मैं सभी जगह जाती थी तो स्टीरॉइड देते थे एलोपैथी में, तो उससे बॉडी भी बढ़ जाती थी और कुछ खाने में तो कोई डाइट देते नहीं थे. लेकिन यहाँ पे मैं जब आई तो मुझे पता चला कि सोरियासिस आयुर्वेदा में जिस तरह से हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है उसकी वजह से हमें बॉडी में जो बदलाव आने चाहिए वो आयुर्वेदा के माध्यम से हम करवा सकते हैं. ओके,
और उसके बाद हमने आपकी ट्रीटमेंट करी, पंचकर्मा ट्रीटमेंट से आपको कैसा फील हुआ और पंचकर्मा के बाद आपके रोग में कितनी रिकवरी आई? पंचकर्मा की ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव थी। हाँ, बहुत ही इफेक्टिव है, और पंचकर्मा की ट्रीटमेंट करने से मेरी बॉडी में बहुत अच्छा लाभ हुआ है, उससे फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग बेटर? हाँ, फीलिंग वेरी बेटर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। तो ये आज हमने आपके सामने बात की सोरासिस के क्योर के बारे में, और जल्द ही आगे हम वापस मिलेंगे एक नए डिसीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।